फरीदाबाद में इन दिनों कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। लगातार हत्याएं हो रही है। आज तीसरा दिन है जब लगातार शहर में हत्या हुई है। देर रात कोई हत्या से पूरे शहर में डर का माहौल है। मृतक के भाई की मानिए तो उसका भाई अविनाश मसाले का काम करता था और उसने राजू नाम के एक व्यक्ति को लगभग 4000 रुपए का सामान बेचा था। मृतक के भाई के मुताबिक देर रात वह अविनाश के साथ पैसे मांगने गया था, लेकिन आरोपी नशे में था और पैसे मांगने पर उसके अविनाश से कहा सुनी हो गई और फिर वो उनके पीछे चाकू लेकर भागा। मृतक के भाई के मुताबिक दोनों भाई वहां से भाग रहे थे, लेकिन अविनाश आरोपी राजू की पकड़ में आ गया और उसने चाकुओं से गोद कर अविनाश की हत्या कर दी। उसकी दुकान है, उसका लेन देन था उधारी का, तो वो गया था लेने वहाँ पे, तो उसने मेरे से बोला था कि रात को कि वो दिन में तो मिलता नहीं है, तो चलते हैं उसके पास पैसे लेने। मैंने कि ऐसा है कि मैं भी चल रहा हूँ साथ में, तो वो कुछ दूरी पे गया था, वो मतलब उसके पास गया, जैसे उससे पैसे से मांगी तो मेरे ख्याल से उसने दारू वारू ड्रिंकिंग कर रहा क्योंकि नशे में था वो, तो उसने एकदम में चाकू निकाल लिया, उसके ऊपर हावी हो गया वो। अच्छा। तो हाँ, तो एकदम मैं तो पीछे था, मैं मतलब वैसे ही भगला, मैंने उससे बोला भाग, तो मतलब उसको पकड़ लिया, मैं आगे निकल गया था काफ़ी, इतने में जैसे मैं आया तो वो मसाले काम करता था। अच्छा। सब्जी मसालों का और पार्ट दिन शाम करता था, पार्ट टाइम दिन में ड्यूटी करता था। तो ये वहाँ जहाँ गया था वहाँ किस लिए गया था? वहाँ पर वहाँ पैसे के लिए गया था। अच्छा। पैसे उधार पे उधार ही थे इसका। अच्छा। कौन है वो लोग जो जिन्होंने मारा है? पता नहीं जी, मैं तो उसको जानता नहीं, राजू नाम का लड़का है कोई जिससे उसे लेन देन था, मैं तो आज तक उसकी शक्ल भी कभी नहीं देखी। कहाँ की घटना है ये? इंदिरा कॉलोनी की है, जैसे मतलब रेलवे फाटक उस पार, जैसे उसका इंदिरा कॉलोनी की घटना है। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जा पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आज रात करीब 2 बजे के आसपास हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई एक का मर्डर हुआ है, तो तुरंत पुलिस वहां पे गई और मौके पे मैंने भी खुद विजिट किया था, तो वहां जाके पता किया तो एक अविनाश और बंटी जो पहले मसाले का काम करता था, अब वो ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है और इंदिरा कॉलोनी में रहता है। इंदिरा कॉलोनी में ही एक राजू नाम का लड़का था, वो भी वहीं पे रहता था, तो अविनाश उसके घर उसके कमरे पे गया था, तो वहाँ पे उसको देख के वो जो राजू नाम का जो अक्यूज था वो शराब पिए हुए था, तो जैसे ही उसने उसका कमरे के अंदर एंट्री की तो वो चक्कू लेके उसके पीछे दौड़ पड़ा, और वो दो भाई थे ये अविनाश और दूसरा एक उसका भाई और था, दोनों के पीछे चक्कू लेके भाग गया। नहीं, ये तो एक आपसी रंजिश का मैटर होता है कि भी जैसे वो उनकी आपसी वो था, तो उसको देखते हुए उन्होंने मर्डर कर दिया और पुलिस ने तत्परता कार्रवाई करते हुए उसको राउंडअप भी कर लिया, पूछताछ जारी है। उसके अंदर एक अक्यूज था, वो ही राउंडअप है। जैसे कल मर्डर हुआ था तो उसके अंदर दो अक्यूज थे, वो दोनों राउंडअप थे। तो आज के जो मर्डर का कारण, मेन कारण क्या रहा? मेन कारण उसने शराब पी हुई थी और कुछ पैसे का लेन देन था, उस वजह से ये मर्डर हुआ है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आरोपी को क्या सजा मिलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।